हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब खन्ना। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो हम लोग डेली उस पे काम करते हैं, वो है किसी भी सेंसर के अंदर पॉजिटिव सिग्नल वायर और नेगेटिव ग्राउंड की वायर को कैसे चेक करें। तो इसके बारे में हमने इस बुक के अंदर लिखा भी हुआ है कैसे हम लोग वोल्टेज सिग्नल और ग्राउंड की पहचान करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसके बारे में जो जिन्होंने ये बुक परचेज की उनके कॉल भी आए और उन्होंने कमेंट्स भी किए। तो दोस्तों, आज हम लोग इस बुक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोज कनेक्टर और ओपन कनेक्टर जो हमने लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोग एक बार डिस्कस भी करेंगे और आपको वीडियो के अंदर वोल्टेज सिग्नल वायर और ग्राउंड कैसे चेक करते हैं उसके अंदर दिखाया जाएगा। जैसे आइए इधर दिखाइए, ये देखिए इस बुक के अंदर आपको बहुत से जो हमारे चैप्टर हैं उसके अंदर क्लोज कनेक्टर और यहाँ पे देखिए ओपन कनेक्टर, ओपन कनेक्टर और क्लोज कनेक्टर इसके अंदर हमने दिखाया हुआ है कि जैसे ये मेरे पास कॉइल है, अगर कनेक्टर हमने लगाकर वोल्टेज चेक करेंगे इन तीन वायर के अंदर, इसमें से पॉजिटिव सिग्नल और ग्राउंड, मैं सेंसर पे बात कर रहा हूँ, किसी भी सेंसर को नेगेटिव पॉजिटिव और सिग्नल वायर कैसे चेक करते हैं क्लोज कनेक्टर के अंदर ओपन कनेक्टर के अंदर, दोनों तरफ हम लोग आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर दिखाया हुआ है, हमारे इंजन के ऊपर दो ऐसे सेंसर हैं, दो टाइप्स के सेंसर लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस टाइप सेंसर जिसके सिग्नल को हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आज हम लोग एक वैसे ही सेंसर के ऊपर आपको वोल्टेज दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है, इसके अंदर थ्री वायर का सेंसर है जिसमें एक वायर में 5 वोल्ट, दूसरी वायर के अंदर 4.1 वोल्टेज और थर्ड वायर के अंदर जो ग्राउंड है, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग वीडियो में चेक करेंगे प्रैक्टिकल। तो ये था हमारा ओपन कनेक्टर, जब हमने सेंसर से कनेक्टर डिसकनेक्ट कर दिया। ओके, इसके साथ आपको लिखना क्या है, किसी भी कनेक्टर के ऊपर 1, 2, 3 वायर्स के नंबर लिखे होंगे कनेक्टर्स के ऊपर, वैसे ही आपने अपनी कॉपी के ऊपर 1, 2, 3 लिखना है। इसके साथ कनेक्टर के ऊपर वायर का कलर क्या है उसको भी कॉपी पे नोट करना है, जैसे ग्रीन, पिंक और वाइट हमने आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो जब हम लोग इसको कनेक्टर को क्लोज कर देते हैं, इन दोनों में से सिग्नल कौन सा है नहीं पता चलता, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है या कंपनी के अंदर ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो टेक्नीशियन बहुत बढ़िया काम करते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उन्होंने ली होती है कंपनी से। लेकिन हमारे जो बहुत से टेक्नीशियन हैं जो नए नए काम कर रहे हैं या कंपनी में उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होता है वीडियो के थ्रू काम करना। और जिन लोगों ने हमारी बुक परचेज की हुई है उनके लिए हम लोग ये ऐसे वीडियोस आगे आगे देते रहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने जब चेक किया तो मैंने यहाँ पे रेड कर दिया 5 वोल्टेज को, जिस वायर के अंदर 4.1 वोल्टेज थी क्लोज कनेक्टर पे उसके अंदर 1.0 वोल्टेज हो गई। तो इसके साथ ग्राउंड को हमने चेक किया, इस पर बीप साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से जिसके अंदर वोल्टेज कम हो गई वो हमारी सिग्नल वायर है, सिग्नल सेंसर से ईसीएम के अंदर जा रहा है,
सिग्नल वायर के अंदर सेंसर से सिग्नल, पल्स या सिग्नल बोल सकते हैं, वो हमारे ईसीएम के अंदर जा रहा है हर्ट्ज के रूप में। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहे हैं, हम अपना हम कैसे चेक करते हैं, आपको कैसे कॉपी पे नोट करना है, आपको जितने भी आपके पास व्हीकल्स आ रहे हैं उनके डाटे को इसी तरह से आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको किसी से एडवाइस ना लेनी पड़े कि किस कलर की वायर में कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है, तो इस बुक के अंदर हमारी कोशिश है कि हम लोग आपको ईसीएम रिपेयर तक पहुंचा दें। अगर आपको सेंसर्स की नॉलेज होगी, अगर आपको वायरिंग चेकिंग की नॉलेज होगी, वायरिंग के साथ और फॉल्ट फाइंडिंग की नॉलेज होगी, इसके अंदर जितने भी फॉल्ट कोड्स आते हैं उसके ऊपर हम लोग आपके साथ वीडियो के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं आपको अभी हम लोग प्रैक्टिकल चेक करते हैं कैसे आपको लिखना है, ऐसे हम लोग आपको वीडियो देते रहेंगे। सर हम ये ना वायरिंग चेक कर रहे हैं, आप जैसे कर रहे हो पहले, हमारा मेथड सेम सभी का एक होना चाहिए जो हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर के ऊपर कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा होता है 1 2 3, तीन वायर हैं, तीन इस पर लिखा होगा। ठीक है, उसके साथ आपने जैसे मेरे पास ये ग्रीन कलर है, पिंक है और वाइट है, इधर देखिए मैंने अपनी कॉपी के ऊपर ग्रीन 1 नंबर 2 नंबर पिंक, 3 नंबर वाइट। अब मैं ये ब्लैक वायर है ये बैटरी के ऊपर लगा रहा हूँ। बैटरी के ऊपर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा 5 वोल्ट आ रही है, मैंने इधर लगाया ये 5 वोल्ट आ रही है। ठीक है, मैंने नोट कर दिया यहाँ पे नोट कर दिया। अब सेकंड में मैं देख रहा हूँ, सेकंड पिन में उधर दिखाइए 4.1, ये मैंने यहाँ पे 4.1 लिख दिया। अब तीसरी वायर में दिखाओ उधर 0.0, तो इसमें हमारा 0.0 मैंने नोट कर दिया। अब देखो ग्रीन कलर, पिंक कलर, अगर हम में से किसी ने भी, तो इन तीनों में से कौन सा सिग्नल है वो मैं हम देख रहे हैं। देखो ये तो अगर है हमारा बीप दे रहा है, मैं आपको एक बार क्लियर कर लें ये भी। ठीक है, ये तो आप भी मैं भी हमें पता ही है, लेकिन मैं एक बार ये मैंने बीप पे किया तो थर्ड नंबर वायर जो जिसमें 0 आ रहा था ये हमारा है ग्राउंड। अब रह गए दोनों में से मैं इसको कनेक्ट करके, ये मेरा ओपन कनेक्टर था, ऐसे ही हमने लिखना है हर गाड़ी का डाटा। अगर आप काम कर रहे हो तो हर गाड़ी का डाटा आपके पास होना चाहिए, ऊपर इटियोस लिखकर सभी सेंसरों का डाटा आपने लिखना है जो भी गाड़ी आएगी। तो आगे ये चीज़ हमें ईसीएम रिपेयर के अंदर बहुत ही बेनिफिट देगी। आगे मैंने ये कनेक्टर लगा दिया इसके अंदर, अब इनमें से मैं नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर रहा हूँ, तो मैं इनको अंदर लगाया और चेक किया वोल्टेज, ये 5 आ गई। ठीक है सर, इधर मैंने 5 लिख दिया, ओके फर्स्ट नंबर पिन पे 5 ऊपर 5 इसमें। अब सेकंड में मैं सेकंड में देखिए आप लोग, इसमें 1.0, पहले हमारा 4.1 था, अब 1.0। अब थर्ड वायर के अंदर तो ग्राउंड ही है, इसका मतलब ये क्या हुआ,
मैंने इसको रेजिस्टेंस टाइप लिखने का मतलब ये है कि जब मैं या इसको स्टार्ट करूंगा तो ये जो सिग्नल है इसमें वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपने जो आपके पास लंट्रा गाड़ी या कोई भी है इस तरीके से सेंसरों की वोल्टेज लिखनी है। अब मैं इस तरीके से हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे ताकि उस काम को जो हमारी चेकिंग है वो आसान हो सके। तो दोस्तों किसी को भी हमारी ये बुक चाहिए, इस बुक के लास्ट पेज पे हम लोग आपको फ़ोन नंबर दिखा रहे हैं, इस पे कॉल करके आप बुक मंगवा सकते हो और ऐसी हम लोग आपको वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।